स्तरीय पंचायत निर्वाचन लगी प्रचार प्रसार जोरदार चली। जो माने प्रार्थी अच्छा से माने डोर टू डोर बुले कैंपेनिंग करचंती भोट भिक्षा करचंती। एई परिप्रेक्षी आम आसी पहुंचलु निश्चिंतपल्ली ब्लॉक रो बुहाळ पंचायत रो बरपड़ा ग्राम रे आसी पहुंचलु। आम सहित अच्छा दुई जन प्रार्थी जी अच्छा समीर सभ्य अच्छा सरपंच क्षीरोद दास अच्छा भवानी शंकर जी अच्छा समीर सभ्य प्रार्थी भाव आम सहित जोड़ी होती सीधा सख्त सहित आलोचना कराया। बर्तमान आप देखते पंचायत निर्वाचन आपड़ आगू सरपंच थे सरपंच थे आपको अनास्था कटाई पुणी आप बर्तमान पंचायत निर्वाचन लड़े लोक मही कि कौन मुख्य मुद्दा आपंकर कौन रही लोक मान पाक कौन नहीं जी देखु मु मिसे सरपंच थे तीन वर्ष अनास्था पदच्युत कले आम जो भाई भाव में पंचायत विकास को त्वरान्वित करूँ और पंचायत को विकास बहु आगे नहीं जाइल से मैंने ईशान्वित हो किसी वार्ड सभ्य मान को धरिक सरोजिनी दास को पदच्युत कले कि निर्वाचन अवतीर्ण होम पंचायत बहु समस्या रही शिक्षार समस्या रही रास्ताघाट समस्या रही पानी जल समस्या रही से मुझे पुणी थे निर्वाचित हेले आए समस्या समाधान करने सहित एवं लोक मान दुख सुख में भागीदार हाँपी मुझे बद्धपरिकर हो आ गोटे कथ जी कह दु वर्ष अढ़े वर्ष सरपंच पदवी थे से टाइम लोक मानी कौन करते आई आपको जो अभियोग करते जो किसी लोक आपचक्रे लोक आपस्था आप काटिले कि आप दुई वर्ष अढ़े वर्ष रही है कौन लोक मानी कम करते देखो मुझे अढ़े वर्ष भितर पखापाखि कोटे दुई लक्ष टकर कम करी पंचायत विकास सहित आम पंचायत अफिस् पाखे गोटे मार्केट कम्प्लेक्स गोटे भिएलओर क्वार्टर और तीन टा पोखरी बंधवाड़ा कर तार उन्नतिकरण करी और बहु जगार रास्ता करी हाँ सहित आहरी किसी लोक स्वच्छ भारत मिशन ने पखापाखि तीन शौ लोक शौचालय दि जाता भत्ता पखापाखि 96 जन को भत्ता करी विभिन्न प्रकार विकासमूलक काम कर बहु घात प्रतिघात मध्यरे से मैंने ईश्वान्वित हो मत अधारू विदा कले मो मिसेस को मुझे से दिन ठार् सबू लोक सहित जोड़ी होती भल मंदे सुविधा असुविधा ढड़ा होली मुझे शपथ नहीं जदि भी मुझे सरपंच भाव निर्वाचित हुए पुणी लोक मान सहित रही विकास धारा को त्वरान्वित करने सहित लोक मान दुख सुख में भागी होगी आम देखते आलोचना करते सरपंच प्रार्थी थे क्षीरोद दास सहित आलोचना करते सी जो दुई वर्ष अढ़े वर्ष रही है लोक मान पाखे थे लोक मान समस्या भागीदारी होते लोक मान जो मौलिक समस्या दूर करते आज जो आम प्रार्थी अच्छा समीर सभ्य प्रार्थी जे भवानी शंकर अच्छा से बर्तमान युवक सहित आलोचना करवा से समीर सभ्य भाव जो निर्वाचन को ओह्लैंत कौन मूल लक्ष्य रही लोक मानी लोक मान जो समस्या रही कौन केमी समाधान करेंगे गुहा पंचायत एक्चुअली देखो निश्चिंत ब्लॉक जो 41 गोटी पंचायत अच्छी ग्राम पंचायत जी आप देखिए एक नंबर हिसाब से देखिए गुहा पंचायत संपूर्ण अवहेलित आपड़ जी देखिए गुहा पंचायत निश्चिंतपल्ली ब्लॉक गोटे किलोमीटर डिस्टेंस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 30 किलोमीटर डिस्टेंस तो यही परिप्रेक्षी में देखिए आम पंचायत में कौन प्रकार उन्नति कार्य होना आमको ब्लॉक स्तर में संपूर्ण भाव में अवहेलित करा जी आम बजेट मिलवा कथा से आम बजेट मिलूना आप देखुचे आम पंचायत जो मैंने नेता आगे थे कौन प्रकार ब्लॉक स्तर जाए लड़े करके पंचायत उन्नति कार्य करने कौन सेमती कौन आखिदृष्ट पदक्षेप नहीं ना आमर सेमती गुटा कि मानने देखिए यूनिक कार्यक्रम किसी आम पंचायत होना तो से हिसाब से देखिए आम पंचायत एपर्त आम पंचायत देखिए जितकी गोटे ग्राम अच्छी से ग्राम से संपूर्ण पानी जल सुविधा कराए संपूर्ण ग्राम जी ग्राम अच्छी संपूर्ण ग्राम को रास्तार सुविधा करा जाए ना बाकी अन्यान्य सुविधा देखिए व्यक्तिगत स्तर में संपूर्ण समस्त को इंदिरावास सुविधा मिलनी आप देखिए एवं आदर्श गुहाड़ एपर्त आम पंचायत डिस्ट्रीब्यूशन ही ना आम आखपाख पंचायत आदर्श गुहा हल्युड कर हल्युड निश्चिंत भाव में आपड़ जितकी आम बजेट मिली संपूर्ण भाव में बाटमणा कराई आप जितकी भी कम विगत दिन रही आपड़ी देखिए कौन से जगह अटकल मूल्य कौन से जगह लिखा जाए ना कौन से जगह से आप देखिए फलक लगी ना तो यहाँ गोटे आम आप सीधा सड़क भावे यहाँ को हल्युड कर आमको कौन भाग में आम पंचायतवासी को मानने अंध कर रखा जामर जी सुविधा मिलवा कथा मुझे से सुविधा मिली ना प्रथम कथा द्वितीय कथा आम व्यक्तिगत स्तर में जमी आपको कहूली आमको आदर्श गुहा एपर्तंत आम पंचायत में डिस्ट्रब्यूसन कराएनी आमको जी आम बार्धक्य भत्ता मिलवा कथा से बार्धक्य भत्ता भी आम लोक मैंने प्रथम कथा द्वितीय कथा है आम गाँ आम विकास मंडप जो सरकारी कार्यक्रम थी आम गाँव रे ग्राम देवती अच्छा
ପାଖାପାଖି ସାତ ଗୋଟି ଆଠ ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ମଣ୍ଡପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ସାଢ଼େ ଚାରିଶହ ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିନାହିଁ। ଏଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ଆମର ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ କିଛି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମୁଁ ସମୀର ସଭ୍ୟ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଯେ କି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଲଢ଼େଇ କରିବି ଆମର ଯେତିକି ହକ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ପାଇବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% ଆମ ବଜେଟକୁ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଆମକୁ ଯେତିକି ସୁବିଧା ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଆଣିବି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରୋଦ ଦାସ ଆଉ ସମୀର ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲକରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖାଯାଉଛି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଦୂର କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ସମୀର ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲିରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।